गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 फोर्स में टॉपिक जो करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स बल निकाय करने से पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। बल के प्रकार, देखिए बल तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है कंप्रेशन और पुश, जिसे संपीड़न अथवा दबाव भी कहते हैं। संपीड़न अथवा दबाव, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वस्तु को पे किस कुछ इस तरह का बल लग रहा है कि जिसके कारण उसकी लंबाई कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन और पुश। या सिंपल, अगर वस्तु को हम दबाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम ए बी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एफ यहाँ से लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स यहाँ से, अगर आप इनके एरो देखें तो ये इस अंदर की तरफ लग रहे हैं, यानी ये पुश कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। इसके कारण इस ऑब्जेक्ट की अगर लंबाई कम हो जाती है तो ये बल किस तरह का है, कंप्रेशन। ठीक है, टेंशन और पुल, अब लंबाई ही कम हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं मैं, कंप्रेशन और पुश, बल जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो अगर आप देखेंगे एक जगह लिखा होता है पुश, जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो पुश में आप उस गेट को दबाते हैं अपने हाथ से, ठीक है, और गेट खुल जाता है, तो वो भी एक तरह का आपने दबाव डाला है। वो जो बल है जो दबाव डालता है उसे हम बोलते हैं पुश। नेक्स्ट जो बल है वो है टेंशन और पुल, तनाव या खिंचाव। तनाव या खिंचाव वह बल होता है जो बाहर की तरफ लगता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि इलास्टिक होते हैं उनमें अगर हम पुल करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बाहर की तरफ बल लग रहे हैं, तो ये बल जो बाहर की तरफ लगता है उसे हम बोलते हैं टेंशन या पुल, तनाव। ये तनाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, इससे लंबाई बढ़ जाती है। ये एग्जांपल है, सपोज़ कीजिए एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी अगर आप उसको पुल करेंगे, ठीक है, और यानी आप उसे खींचेंगे। अगर आप उसी स्प्रिंग को पुश करेंगे मतलब दबाएंगे तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो वह बल जो बाहर की तरफ लगता है उसे हम बोलते हैं तनाव, और वह बल जो अंदर की तरफ लगता है, एरो पे ध्यान दीजिए, वो होता है दबाव। अब जैसे मैंने आपको गेट का एग्जांपल दिया, अगर उसी शॉप से आपको बाहर निकलना है तो आप वापस गेट को खोलेंगे तो हमेशा उस पे लिखा होगा पुल, तो आप उस टाइम क्या करते हैं, उस गेट को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी फोर्स आप बाहर की तरफ लगाते हैं, ठीक है, और पुश में अंदर की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका शीयर। देखिए शीयर फोर्स कैसे लगता है, शीयर फोर्स लगता है एकदम सरफेस पे, और शीयर फोर्स को हम, शीयर फोर्स जब लगता है तो ऑब्जेक्ट का, पिंड का शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देखें, इसका जो आकृति है वही चेंज हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक ये दिखाना चाहूँगी, ये देखिए टेंसाइल फोर्स, ठीक है, मतलब तनाव खिंचाव, ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है। अब एरो पे ध्यान दीजिए, कंप्रेसिव फोर्स जिसे आप संपीड़न या दबाव कहते हैं, ये अंदर की तरफ लग रहा है। एरो पे ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। शीयर फोर्स कैसे लगता है, इस तरीके से, अगर ये दोनों एक जगह थे, शीयर फोर्स लगा, यहाँ पे खिंचाव हुआ, यहाँ पे खिंचाव हुआ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपके टेंशन और कंप्रेशन के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बल संचरणशीलता का सिद्धांत। देखिए कोई भी, ये होता क्या है, यदि किसी एक दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल क्रियाशील हो तो उसे उसकी क्रिया रेखा के अन्य किसी बिंदु पर क्रियाशील माना जा सकता है।
यदि वे बिंदु दृढ़ता से जुड़े हों। तो बहुत इजी सा नियम है ये। इसमें बस ये कहा है कि अगर कोई पिंड है और उसके सारे बिंदु दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, जैसे ए बी और भी हो सकते हैं, यहाँ पे बिंदु हो सी डी, और किसी एक बिंदु पे बल लग रहा है। सपोज कीजिए ए पे बल लग रहा है एफ, ये आपको दिख रहा है, एक एफ बल लग रहा है ए पे, ठीक है। अब अगर ए और बी दृढ़ता से जुड़े हुए हैं तो ये जो बल है ए पॉइंट पे लग रहा है, ये इस रेखा के किसी भी बिंदु पे क्रियाशील माना जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं ये यही बल बी पे लग रहा है, सेम जो फोर्स है वो ए से बी पे ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्रिया रेखा पे, ये क्रिया रेखा है, इस क्रिया रेखा का हर बिंदु दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी बल संचरणशीलता का सिद्धांत, कि किसी भी बिंदु पे बल ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब बल निकाय। देखिए, किसी दृढ़ वस्तु पर अनेक बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो वो एक निकाय बनाते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऐसा निकाय जिसमें विभिन्न तरह के बल और अनेक बल लग रहे हों तो वो एक निकाय बनाएंगे। अब इस बल निकाय को करने से पहले हम पहले कुछ और बलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले हमने तीन बल पढ़े हैं, संपीड़न, खिंचाव और कर्तन। अब हम जो बल को डिवाइड कर रहे हैं वो पहला कर रहे हैं हम तल के आधार पर, ठीक है। और तल के आधार पर दो बल होते हैं, देखिए, कोप्लानर फोर्सेस जिसे हम समतलीय बल बोलते हैं, और नॉन कोप्लानर फोर्सेस जिसे हम असमतलीय बल बोलते हैं। तल के आधार पर इसका क्या मतलब हुआ? समतलीय बल वह बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल पर हो, और असमतलीय बल वह बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न तलों पर हो। एक हम इसे समझते हैं कैसे। सपोज कीजिए ये एक डायग्राम आप देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा है एक्स वाई जेड। एक्स वाई एक तल है, वाई जेड एक तल है, और जेड एक्स एक तल है, ठीक है। अब जिन समतलीय बल वह बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो, जैसे कि ए और बी। ए और बी की क्रिया रेखा क्या है? एक ही तल में है। क्रिया रेखा मतलब जो एक ही तल में लग रहे हो, ठीक है। ये ए है और ये बी, तो ए बी हो गए समतलीय बल क्योंकि ये दोनों एक्स वाई में है, ठीक है। असमतलीय बल वह बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग तल में हो, यानी जो अलग अलग तल में लग रहे हो। जैसे अगर एक्स वाई एक तल है और वाई जेड एक तल है, तो ए और सी ये क्या हो गए? असमतलीय बल, क्योंकि ए लग रहा है एक्स वाई तल पे और सी लग रहा है जेड वाई तल पे। क्लियर? क्योंकि ये दोनों अलग अलग तल पे लग रहे हैं तो इनकी क्रिया रेखा अलग अलग तल पे है, इसलिए ये है असमतलीय बल। तो तल के आधार पे हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे मिलन बिंदु के आधार पे। देखिए, मिलन बिंदु के आधार पे यानी कि एक बिंदु पे लग रहे हैं, अलग अलग बिंदु पे लग रहे हैं, इस तरीके से। अब संगामी बल, वह सारे बल संगामी बल होते हैं जो एक ही बिंदु पे लग रहे हों, ठीक है। और असंगामी बल यानी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस वह बल होते हैं जो अलग अलग बिंदु पे लग रहे हों। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, समतलीय बल संगामी बल वह सारे बल होते हैं जो एक ही बिंदु पे लग रहे हों। सपोज कीजिए ये ओ पॉइंट है, ओ बिंदु है, इस पे कितने बल लग रहे हैं? ई, एफ और जी,
यानी ये तीनों बल जो एक ही बिंदु पे लग रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे संगामी बल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संगामी बल वह बल होते हैं जो एक ही बिंदु पे लगते हैं, जैसे EFG। EFG एक ही बिंदु O पर लग रहे हैं तो ये तीनों बल संगामी बल कहलाएंगे। क्लियर? असंगामी बल यानी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस वह बल होते हैं जो अलग अलग बिंदु पर लगते हैं, जैसे D बिंदु पे F1 लग रहा है, E बिंदु पे F2 लग रहा है और F बिंदु पे F3 लग रहा है। तो F1, F2 और F3 तीनों अलग अलग बिंदु पे लग रहे हैं तो ये तीनों बल क्या कहलाएंगे? असंगामी बल। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने साथ साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि A और B एक ही तल पे बल थे। फिर मैंने असमतलीय बल के एग्जाम्पल लिख रखे हैं कॉन्करेंट के, जो कि O पॉइंट पे तीन बल लग रहे हैं, उसके बाद असंगामी बल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, देखिए, पैरेलल फोर्सेस यानी समांतर बल। पैरेलल फोर्सेस वह बल होते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। देखिए, अब ये जो समांतर बल होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक जिनकी क्रिया रेखा एक ही दिशा में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सदृश समांतर बल, और एक होते हैं जिनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न दिशा में हो, जिसे हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस या असदृश समांतर बल भी कहते हैं। तो फाइनली हमने सब बलों के बारे में पढ़ लिया, समतलीय, असमतलीय, असंगामी, संगामी। अब हम निकाय पढ़ेंगे। ठीक है, निकाय क्या होता है? जो इन्हीं सब बलों से बनता है। जब अनेक बल लगते हैं एक जगह तो हम वो निकाय बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए, अब निकाय हम अलग अलग बलों के बनाएंगे, जैसे कोप्लानर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय, आप यहाँ पे निकाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, समतलीय संगामी बल निकाय। अब इस निकाय के अंदर समतलीय बल भी आएंगे और संगामी बल भी आएंगे। ये निकाय दो तरह के बलों से बन रहा है, कौन कौन से? समतलीय और संगामी। समतलीय वह होते हैं जो एक ही तल में लग रहे होते हैं और संगामी वह होते हैं जो एक ही बिंदु पे लग रहे होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, XY एक तल ले लिया मैंने, इस तल के अंदर चार बल लग रहे हैं, कौन कौन से? F1, F2, F3, F4। तो ये सब हो गए समतलीय यानी कोप्लानर, पर ये साथ में क्या होने चाहिए? संगामी यानी कॉन्करेंट भी होने चाहिए। तो ये सारे बल कहाँ लग रहे हैं? एक बिंदु पे, O पे। तो ये एक ऐसा बल निकाय हो गया जिसमें समतलीय बल भी हैं और संगामी बल भी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, असमतलीय संगामी बल निकाय। ठीक है, यहाँ पे आप निकाय जरूर मेंशन कर लीजिए, क्योंकि हम ये एक निकाय की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम असमतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो असमतलीय, पहली बात, असमतलीय वह होते हैं जो एक ही तल में नहीं लगते, और संगामी वह होते हैं जो एक ही बिंदु पे लगते हैं। अब मुझे एक ऐसा निकाय बनाना है, तो देखिए मैंने क्या किया, XYZ दो तल, तीन तल ले लिए, XY तल, YZ और ZX, क्योंकि असमतलीय है। एक बल लगा ए इस वाले तल में, एक YZ में, एक ZX में, ABC, ये क्या हो गए? असमतलीय, क्योंकि ये तीनों अलग अलग तल में लग रहे हैं, बट ये तीनों एक ही बिंदु पे लग रहे हैं, O पे, ABC एक ही बिंदु पे लग रहे हैं, तो ये हो गए असमतलीय और संगामी बल निकाय। क्लियर है ये आपको? ये आपके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको
ये थ्योरी, ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव के आंसर्स दे पाएंगे। तो आप ये भूल जाइए कि आपको शॉर्ट में स्टडी करनी है, आपको सारे फैक्ट्स क्लियर करने हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है सम पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए समांतर समतलीय बल निकाय मुझे बनाना है, समांतर समतलीय बल निकाय, अगेन समतलीय आते ही एक ही तल में लगेंगे सारे बल, और समांतर मतलब एक ही दिशा में। तो ये देखिए एक्स वाई जेड देख रहे हैं आप, इसमें एक ही तल लिया मैंने एक्स वाई, इस पे ये तीनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं और एक ही तल में, तो ये निकाय बन गया मेरा समतलीय समांतर बल निकाय। इसी तरीके से असमतलीय समांतर बल निकाय, असमतलीय का क्या मतलब हो गया, वो एक ही तल में नहीं लगेंगे, क्लियर, और यानी विभिन्न तल में लगेंगे और समांतर होंगे। जैसे कि देखिए एक बल है एक्स वाई में और एक है वाई जेड में, बट ये दोनों क्या है समांतर, क्लियर। तो ये हो गया असमतलीय समांतर बल निकाय, क्लियर। तो ये हो गया हमारा असमतल। तो इस तरीके से हमारी सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।